नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ भारती सकलानी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं एक प्रगतिशील राजनीति की। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं देहरादून से चकराता की ओर और एक गांव, यहां पर आप देखिए साइया नेवी ये गाँव है और पीछे की खूबसूरती बखूबी आप देखेंगे कितना खूबसूरत ये गांव है। हमारे साथ गांव की प्रधान मौजूद है नीलम सवई, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल जो राजनीति का तरीका प्रचलन में है, आप उससे कितनी संतुष्ट है? राजनीति में किसी भी भेदभाव के सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, शिक्षा के आधार पर, धर्म कर्म के आधार पर। आपका क्या कहना है कि धर्म के आधार पर जो आजकल की राजनीति हो रही है, क्या वो होनी चाहिए? नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। लोग शिक्षित होंगे तो वो बखूबी अपने अच्छे बुरे का ज्ञान सही से समझ सकते हैं, तो वो धर्म कर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, साइया नेवी गांव के आप प्रधान हैं, यहाँ पे क्या उस स्तर का विकास हो पाया है जिस स्तर की हमने उम्मीद की थी जब अलग राज्य की मांग हुई थी, उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था, तो क्या वाकई में वो विकास हो पाया है गाँव में? हाँ जी, विकास तो बहुत हो पाया है यहाँ पे। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो गई है, स्वास्थ्य की हो गई है, सड़कें गांव-गांव में सड़कें पहुँच गई हैं, बिजली व्यवस्था, पानी की, सभी गांव में पानी सुलभ हो गया है। अब लोग नहीं तो मटकों से लाते थे और पानी घर घर पहुँच गया मतलब। हाँ जी। अच्छा, तो क्या क्या मतलब हमने रास्ते में आते हुए देखा तो जो नदी यहाँ से निकल रही है, जो गधेरा पानी का नदी निकल रही है, ये बहुत ज्यादा दूषित है, तो क्या इसमें आपने कुछ काम नहीं किया? इसमें स्वच्छ लोग अपना वेस्ट जो डालते हैं उसकी वजह से ये दूषित हो रहा है और लोगों के सीवर पाइप इसमें छूटे हुए हैं। अच्छा। जिसकी वजह से गंदगी हो रही है और लोग नीचे इसका पानी पी रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसके। अच्छा, तो खुलेआम यहाँ पे जो सीवर के पाइप है वो सीधा नदियों में जाके मिलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो या क्या आप इस पानी को यूज कर पाते हैं, मतलब जो गांव के लोग हैं, आम लोग, ये यूज करते हैं इस पानी को? और कोई ऑप्शन नहीं है तो ये यूज करना पड़ता है मतलब। हाँ जी। अभी तो आप बोल रही थी कि यहाँ पे पानी भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे आपने खुद ही बताया पानी इसकी वजह से हो रहा है, हमारा पानी इधर से आता है। और क्या डेंगू वगैरह की कितनी दिक्कत यहाँ पर आती है? डेंगू नहीं है यहाँ पे बीमारियों का कोई वो नहीं। तो क्या विधायक साहब से आपने बात नहीं की इस बारे में? यहाँ के जो विधायक हैं, क्या कभी आपने उनके पास कोई चिट्ठी नहीं पहुँचाई या यहाँ पे इस नदी को स्वच्छता, एक तरफ हम नमामि गंगे की बात करते हैं, गंगा नदी को स्वच्छ करने की बात करते हैं, जो छोटी छोटी ये नदियाँ यहाँ से आ रही हैं, इनके ऊपर कोई बात नहीं करते हैं आप? नहीं, हमने उनके पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, हम अपने तरीके से ही इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में इतना बजट नहीं होता है क्योंकि आसपास के गाँव के लोग यहाँ पे रहते हैं रोजगार के, उससे तो फिर बजट अवेलेबल नहीं है होता, तो फिर उसके लिए दिक्कत हो रही है। हाँ जी। अच्छा, तो बजट ना होने की वजह से इनका कहना है कि यहाँ पर जो विकास ये करना चाहती हैं वो विकास यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। 2010 में यहाँ पर एक आपदा आई थी जिसमें कई गांव के घर तबाह हो गए थे, क्या उसके बाद सरकार सशक्त हुई है, यहाँ पर कोई काम उन्होंने किया है या वैसे ही चीज़ें छूटी हैं जैसे पहले थी? हाँ जी, काम तो हुआ है, लोगों को मतलब अच्छी जानकारी भी है, इसलिए वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और हमारे जो नेता लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं इसके। काम कर रहे हैं मतलब आप संतुष्ट हैं काम से? हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो हर फील्ड में आगे हैं, आप खुद एक गांव के प्रधान हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये कि गांव में एक महिला को प्रधान का चेहरा देना, लेकिन एक दुर्भाग्य आप इस बात को मानती है कि 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो चुका है और एक भी महिला इतिहास गवाह है कि एक भी महिला हमारी मुख्यमंत्री नहीं रही है, एक को भी लीडरशिप नहीं मिली है, तो क्या हमारे उत्तराखंड की महिलाएं इतनी सशक्त नहीं है कि उन्हें लीडरशिप मिले? आपका क्या कहना है इसमें? महिलाओं में शिक्षा की कमी है, शिक्षा होगी तो वो अपने अधिकारों को अच्छे से जान पाएंगी, हमारे क्या क्या अधिकार है। अच्छा, आपको लगता है कि महिलाओं को रोका जाता है राजनीति में आने में घर से? मैं ये नहीं मानती क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। लेकिन आप और घरों की अगर बात करें, गांव दूर दराज की बात करें, तो क्या महिलाओं को वो सपोर्ट फैमिली से मिलता है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो महिलाएं चाहती हैं आपके? हाँ जी, महिलाओं को आगे अगर सीट अवेलेबल है महिलाओं के लिए तो आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है हर गाँव से। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई तो देखो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या आप संतुष्ट हैं महंगाई से या महंगाई कम होनी चाहिए?
महंगाई तो इसलिए भी बढ़ रही है, लोग हमारी सरकारें इतना कार्य कर रही है तो कहाँ से उनके पास आएगा वो। कौन सा कार्य कर रही है यहाँ पे, तो इतनी गंदगी सड़कों में हो रखी है, बहुत सक्रिय सड़कें हैं और आप बोलने का कार्य कर रही है, सड़कें आ गया, पुल बन रहा है, तो उनके लिए कहाँ से अवेलेबल होगा, वो हमारे से ही तो निकालेंगे। अच्छा, आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? आने वाली सरकार तो बहुत अच्छा करेगी और बहुत अभी मतलब क्या उम्मीदें हैं गांव में, किस तरह का विकास होना चाहिए? सभी को स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए और शिक्षा होनी शिक्षा चाहिए। शिक्षा तो यहाँ पे अच्छी है, मतलब सभी जागरूक है इसके लिए और स्कूल भी अच्छे हैं यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में हम सभी प्रधानों के प्रयास से यहाँ पर अटल उत्कृष्ट हो गया है यहाँ का GIC। अच्छा, इस गांव की कोई खासियत आप हमें बताएंगे, क्या इस गांव की खासियत है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे स्वच्छ जल है और स्वच्छ जल तो हमने साफ तौर पर देख लिया है कि किस तरह का स्वच्छ जल है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद थी ग्राम प्रधान नीलम जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाली सरकार से उनकी यही उम्मीद है कि यहाँ पर स्वच्छ जल हो, स्वच्छ स्वास्थ्य व्यवस्था जो है लचर ना रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था को दिन ब दिन सरकार जो है आगे बढ़ाए ताकि जो गाँव वासी है उन्हें दून अस्पताल आने की जरूरत ना पड़े या अन्य प्लेन जो अस्पताल है सरकारी वहां पे आने की जरूरत ना हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आईपा। नमस्कार।